दोस्तों, फरिंस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं जेली। तीन कलर में और तीन फ्लेवर में हम जेली बनाने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बनाते हैं तीन फ्लेवर में और तीन कलर में हम जेली। जेली बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने ली है अगर अगर पाउडर, आप जिलेटिन पाउडर भी ले सकते हो। येलो वाला फूड कलर लिया है मैंने पाउडर में, आप जेल में भी ले सकते हो। उसमें डालेंगे हम पाइनएप्पल एसेंस। ग्रीन कलर लिया है मैंने जेल में, उसमें डालेंगे हम वेनिला एसेंस। रेड कलर लिया है मैंने सेम जेल में, उसमें डालेंगे हम स्ट्रॉबेरी एसेंस। एक कटोरी शक्कर ले लेंगे और एक लीटर पानी। एक सॉस पैन ले लेंगे हम, गैस ऑन कर लेंगे, उसमें डालेंगे हम एक लीटर पानी। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। हो गया है पानी गरम अच्छे से। अब डालेंगे इसमें हम 2 टेबलस्पून अगर अगर पाउडर। आप जिलेटिन पाउडर भी ले सकते हो, जिलेटिन पाउडर भी आपको 2 टेबलस्पून ही डालना है, यानी कि 10 ग्राम। 1 टेबलस्पून अगर अगर पाउडर डाल दी हमने, दूसरा भी टेबलस्पून डाल देंगे और इसे पानी के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और घुलने तक चम्मच चलाते रहेंगे। घुल गई अच्छे से अगर अगर पाउडर हमारी। अब डालेंगे इसमें हम 1 कटोरी शक्कर। डाल दी हमने शक्कर सारी इसमें। अब शक्कर घुलने तक भी हमें चम्मच चलाते रहना है। घुल गई शक्कर अच्छे से। हो गया जेली का घोल अच्छे से रेडी हमारा। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तीन कलर में और तीन फ्लेवर में बनाना है इसलिए मैंने लिए 3 बाउल। इसमें हम जेली का घोल इक्वली तीनों बाउल में डाल देंगे। डाल दिया हमने सारा घोल तीनों बाउल में। अब पहले वाले बाउल में हम डालेंगे येलो कलर और पाइनएप्पल एसेंस के 2-3 ड्रॉप्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम एसेंस और पाउडर को। ये हो गया हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर में जेली का घोल रेडी। अब हम दूसरे बाउल में डालेंगे ग्रीन वाला कलर, उसमें डालेंगे हम वेनिला एसेंस के 2-3 ड्रॉप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी हम। ये हो गया हमारा ग्रीन वाले जेली का घोल रेडी। अब तीसरे बाउल में हम डालेंगे रेड कलर, स्ट्रॉबेरी एसेंस के 2-3 ड्रॉप डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। रेड जेली का बाउल भी हमारा रेडी हो गया है। तीनों कलर के और तीनों फ्लेवर के बाउल हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने लिए है सिलिकॉन के मोल्ड और ये चॉकलेट मोल्ड भी लिया है, इसमें भी हम जेली जमा सकते हैं। अगर ये दोनों मोल्ड आपके पास नहीं है तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी आप इसको कैसे सेट कर सकते हो। रेड वाले बाउल में डाल दिया हमने येलो वाले जेली का घोल, ग्रीन वाले बाउल में हम डालेंगे रेड वाला जेली का घोल और ब्लू वाले में डालेंगे हम ग्रीन वाला जेली का घोल। अब तीनों कलर के जो हमने घोल बनाए हैं जेली वाले, वो हम इस चॉकलेट मोल्ड में डाल देंगे। पहले मैंने डाला ग्रीन, अब डाल रही हूँ येलो।
रेड वाला भी डाल देंगे हम। डाल दिया हमने तीनों जेली के घोल इसमें। अब मेरे पास और एक अलग डिज़ाइन का एक मोल्ड है, उसमें भी मैं डाल रही हूँ रेड वाला घोल डाल रही हूँ इसमें मैं ग्रीन वाला। और येलो वाला इसे भी हम साइड में रख देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप घर के कोई भी बर्तन में जेली जमा सकते हो, या फिर लंच बॉक्स में जो ये टिफिन आते हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हो जेली जमाने के लिए। इसमें डाल देंगे हम येलो वाला जेली का घोल, और दूसरे वाले इसमें डालेंगे हम रेड वाले जेली का घोल। सेट होने के बाद हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसको बाहर भी रख सकते हो सेट करने के लिए, या आपको जल्दी सेट करना है तो आप फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए। एक घंटा हो गया है, मैंने फ्रिज से सारे मोल्ड निकाल लिए हैं। अब इसको हम अनमोल्ड कर लेंगे। एक प्लेट ले ली है मैंने, जो सिलिकॉन की कटोरी में हमने जमा के रखा था वो निकाल लेंगे सबसे पहले। देखिए कितने अच्छे से निकल गई हमारी जेली। सारे मोल्ड्स में से इस तरह से निकाल लेंगे हम। रेड वाली भी निकाल ली मैंने, येलो वाली भी निकाल ली है। अब चॉकलेट मोल्ड में से हम निकालेंगे जेली। देखिए ये भी कितने अच्छे से सेट हो गई है, येलो ग्रीन रेड, तीनों फ्लेवर की तीनों कलर की जेली हमारी अच्छे से सेट होकर रेडी हो गई है। सारे मोल्ड में से हम जेली निकाल लेंगे। दूसरे वाले मोल्ड में से भी हम निकाल लेंगे जेली को। ये भी कितने अच्छे से सेट हो गई है। सारी जेली हमने निकाल ली है। अब जो हमने लंच बॉक्स में जो सेट करने के लिए रखी थी उसे इस तरह से कट कर लेंगे, और चौकन पीसेस में इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए इसमें भी कितने अच्छे से जम गई है जेली। येलो वाली निकाल ली है हमने, अब निकालेंगे रेड वाली। इसे भी उसी तरह से कट कर लेंगे। ये भी रेडी हमारी हो गई है जेली अच्छे से। इस तरह से हम तीनों कलर की जेली हम निकाल लेंगे। जेली बनकर हमारी तैयार हो गई है तीनों फ्लेवर और तीनों कलर में। आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। आप जब भी शरबत बनाओगे इफ्तार में तब इस जेली को शरबत में मिला के सर्व करिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।